हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। मैं हूं अदिति और मैं आप लोगों के लिए आज फिर लेकर आ गई हूं मॉडर्न इंडिया की क्लास। तो बेसिकली लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था सेकंड राउंड टेबल के बारे में, ठीक है। लास्ट क्लास में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट योर सेकंड राउंड टेबल, उसके हिसाब से यहाँ पर क्या क्या चीजें हुई थी। अब देखो अगली चीज जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या हुआ कि गांधी जी को कर लिया गया था अरेस्ट, और 1934 में गांधी जी ने जो अपना मूवमेंट स्टार्ट किया था, क्योंकि देखो सेकंड राउंड टेबल में जैसा गांधी जी सोच रहे थे कि वैसा हो, जो एक्सपेक्टेशंस रही थी उनकी, वो एक्सपेक्टेशंस उनकी फुलफिल नहीं हो पाई थी। वो वहां से जैसे ही वापस आए थे उसके अगले ही दिन गांधी जी ने यहाँ पर अपना सिविल डिसोबीडियंस वाला जो आंदोलन था वो मूवमेंट यहाँ पर कर दिया था स्टार्ट। उसके बाद यहाँ पर जैसे ही आपकी सरकार बदली, सरकार अब विलिंगटन की थी, जो वाइस रॉय थे अभी विलिंगटन थे, ठीक है, और उन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया, उन्होंने यहाँ पर गांधी जी को और पूरी तरीके से कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश करी और गांधी जी को अरेस्ट करवा लिया गया था। तो गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था 1932 में, ठीक है, 1932 में तुरंत ही गांधी जी को यहाँ अरेस्ट किया गया। और उसके बाद गांधी जी ने 1934 में अपना जो आंदोलन था, अपना जो मूवमेंट था, उसको यहाँ पर रोक दिया गया था, बंद कर दिया गया था उनके द्वारा। अब देखिए आगे क्या चीज आने वाली है, क्या है ये कम्युनल अवार्ड और क्या है ये पुणे पैक्ट, आखिरकार क्या चीजें हैं ये, और इनके बाद यहाँ पर हमें किस तरीके के आंदोलन, क्या सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेंगी, क्या गांधी जी अपना जो आंदोलन है उसे रिज्यूम करेंगे, क्या गांधी जी जेल से बाहर आएंगे, और अगर जेल से बाहर भी आते हैं वो तो उनके अगले स्टेप क्या होने वाले हैं, कांग्रेस को पूरी तरीके से, जो कांग्रेस की ऑर्गेनाइजेशन थी वो यहाँ पर ब्रिटिश सरकार ने बैन कर दी थी, तो उसके अंतर्गत अब यहाँ पर क्या होने वाला है वो आज की क्लास में हम देखेंगे। और याद रखिएगा ये आपका जो मॉडर्न इंडिया है, मॉडर्न इंडिया आपके यूपीएससी के एग्जाम के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, सब्जेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका बेसिकली मॉडर्न इंडिया, क्योंकि इसमें जितने भी टॉपिक्स रहते हैं आपके महात्मा गांधी जी से रिलेटेड, उनकी स्ट्रैटेजी, किस तरीके के आंदोलन यहाँ पे हमको देखने को मिले, कांग्रेस ने क्या रणनीतियां बनाई, किस किस प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं आपके मेंस के प्रस्पेक्टिव से एज वेल एज फ्रॉम योर प्रीलिम्स, ठीक है, दोनों के हिसाब से यहाँ पर क्या क्वेश्चंस बनते हैं ये भी आप लोगों को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये आपकी काफी हद तक यहाँ पे मार्क्स होल्ड करती है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। नाउ बिफोर गेटिंग इनटू द क्लास हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अनअकैडमी के बारे में। देखो अनअकैडमी जो है वो आप लोगों के लिए लेकर आया है सिविल सर्विस चैंपियनशिप, और ये इंडिया की लार्जेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट है जिसको क्यूरेट किया गया है टॉप एजुकेटर्स द्वारा। ऑलराइट, तो ये यहाँ पर आपकी 13 जून को होगी 10 से 12 बजे, और जो आपके टॉप 50 रैंकर्स होंगे, जो टॉप 50 रैंकर्स होंगे यहाँ पर, उनको गाइडेंस मिलेगी आपके बेस्ट यूपीएससी मेंटर्स द्वारा। आप इसमें एनरोल कर सकते हैं बिल्कुल फ्री, स्टडी आईएएस जो कोड है उसका इस्तेमाल करिएगा। ऑलराइट, उसके बाद यहाँ पर देखो कि यहाँ पर आप लोगों को स्कॉलरशिप मिलेगी अगर आप लोग टॉप 50 रैंकिंग में आ गए, ठीक है, तो यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, प्राइजेस मिल सकते हैं, और दूसरी बात यहाँ पे गाइडेंस मिलेगी आपको अभिषेक सराफ से, शताब्दी मजूमदार, और आपकी दुर्गा शक्ति नागपाल, बी एन रमेश, कृष्ण मोहन सर, विपिन सी शर्मा एंड योर राकेश वर्मा सर। तो ये लोग आपके ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेशन में हैं और इनसे आपको यहाँ पर गाइडेंस मिलने वाली है, तो उसी हिसाब से आप लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पार्टिसिपेट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ऑलराइट, चलिए नाउ यहाँ पे देखो ये है आपके अनअकैडमी के द्वारा लाया गया मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर। अब इसमें क्या है कि सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो उसमें 4 मंथ्स जो है वो कर दिए जाएंगे एक्सटेंड, तो यानी कि 4 महीने आप अपने सब्सक्रिप्शन का फायदा और ले सकते हैं। ऑलराइट, कोड का इस्तेमाल जरूर करिएगा, कोड है आपका स्टडी IAS व्हेनेवर यू आर टेकिंग दी सब्सक्रिप्शन, एंड इससे आपको मिल जाएगा 10% का एक्स्ट्रा ऑफ। उसके बाद अनअकैडमी लेके आया है आप लोगों के लिए लोन की सुविधा। सो इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर योर यूपीएससी ऑन अनअकैडमी, तो अनअकैडमी आपको प्रोवाइड कर रहा है लोन की सुविधा, तो अगर आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है अनअकैडमी पे आप लोग यहाँ पे लोन ले सकते हैं।
देन यहाँ पर है आपका अनअकैडमी का कॉम्बैट. कॉम्बैट इज अ लाइव क्विज. लाइव क्विज होती है, हर संडे को होती है. मैं आपको हमेशा बता चुकी हूँ 11 बजे हो जाती है हर संडे को. आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करोगे तो आप लोगों को मौका मिलेगा कम्पीट करने का थाउजेंड्स ऑफ लर्नर्स के साथ. एंड यू विल लर्न समथिंग फ्रॉम योर बिकॉज मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज आपकी जो भी है वो काफी हद तक आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहती है. स्कॉलरशिप भी जीत सकते हो और दूसरी चीज, बट कोड का इस्तेमाल करना नहीं भूलना है आपको व्हेनेवर यू आर एनरोलिंग. ऑलराइट, चलिए तो यहाँ पर अब हम अपनी क्लास को करते हैं शुरू. अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं. चलिए भाई, तो आज हम बात करेंगे कम्युनल अवार्ड से. अब कम्युनल अवार्ड क्या था यहाँ पर, बेसिकली अगर देखा जाए तो जो कम्युनल अवार्ड है वो आपका यहाँ पर 1932 में आया था. अब आखिरकार ये क्या था, क्यों था, किस लिए आया था, देखिए. अब यहाँ पर आज हम अपनी आज की कथा जो है उसे स्टार्ट करते हैं. बेसिकली यहाँ पर बात करी जा रही है कम्युनल अवार्ड के बारे में. अब देखो, कोई भी आंदोलन वगैरह होता था उसके उपलक्ष्य में ब्रिटिशर्स क्या होता था कि वो कुछ ना कुछ ऐसा कर देते थे कि आपका जो मूवमेंट है वो एकदम वीक पड़ जाए. और वही चीज उन्होंने यहाँ पर करी. अब यहाँ पर इन लोगों ने अनाउंस किया, देखिए जो ब्रिटिश के पीएम थे इनका नाम था भाई रामसे मैकडोनल्ड थे ये, ठीक है. अब ये भाई साहब ने क्या करा, ये आपका अगस्त 1932 में ले आए कम्युनल अवार्ड, ठीक है. इनके द्वारा ये अनाउंस किया गया, ये थे ब्रिटिश के प्रधानमंत्री, इनके द्वारा यहाँ पे ये अनाउंस किया गया कम्युनल अवार्ड. अब ये कम्युनल अवार्ड आखिरकार था क्या, व्हाट वाज इट अबाउट. तो कम्युनल अवार्ड बेसिकली क्या था, आप लोगों को पता है कि जो हमारी मुस्लिम, जो हमारे यहाँ आपकी डिप्रेस क्लास थी और ये काफी हद तक हमारे देश की पॉपुलेशन को, जो दलित समाज था आपका, वो एक तरीके से काफी ज्यादा हमारे सोसाइटी का जो बड़ा पार्ट रहा था, ठीक है, उस टाइम पे दलित समाज. तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इनके द्वारा बात करी गई है कि भैया जो आपका दलित समाज है, जो डिप्रेस क्लासेस है, उनको यहाँ पर क्या है कि उनको यहाँ पर जो एक सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बातचीत करी गई, ठीक है, जो कि यहाँ पर आपके मुस्लिम्स को और सिखों को और यहाँ पे एंग्लो इंडियंस को दिया जाता था, ठीक है. अब उसमें भी क्या है कि ये जो आपका दलित समाज है, जब आप उसको सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात कर रहे हो, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि एक आपका अलगाव सा दिखेगा. ये आप हमारी जो यूनिटी है उसमें एक तरीके से कह सकते हैं कि अलगाव करने वाली एक बात थी. तो इनको यहाँ पे ये सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात कर रहे थे, ठीक है. अब यहाँ पे देखो जो आपकी डिप्रेस क्लास है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या था कि जो एफर्ट थे, एफर्ट यहाँ पर करे जा रहे थे कि ये सेपरेट कर सकें डिप्रेस क्लासेस को फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द हिंदूज, ठीक है. ये इनका एम था कि यहाँ पर ये जो आपकी डिप्रेस क्लासेस हैं इनको यहाँ पर सेपरेट कर दें, अलग कर दें. किससे अलग कर दें, जो आपके हिंदू हैं उनसे अलग कर दें, बिल्कुल. देखो एक तो क्या था कि हमारे द्वारा जो इनके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया था, ठीक है, वो एक बहुत बड़ा कारण था कि ये यहाँ पर एक डिप्रेस क्लासेस इनको बोला जाता था. ऑलराइट, तो यहाँ पर क्या है कि इसमें आपका जो सेपरेट इलेक्टोरेट होता है उसमें क्या होता था कि यहाँ पर जैसे दलित है तो सिर्फ दलित ही दलित को यहाँ पर क्या कर सकता है, दलित ही दलित को यहाँ पर वोट कर सकता है, मतलब अपनी ही कम्युनिटी में वो यहाँ पर वोट कर सकते हैं. ओके, तो यहाँ पर क्या है कि एक अलग पॉलिटिकल एंटिटी बना दोगे अगर आप, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर अलगाव सा आ जाएगा. अब इसके विरोध में गांधी जी आए. गांधी जी को पता चला एट दैट टाइम, महात्मा गांधी जी, ठीक है, ही वॉज इन जेल. वो 1932 की बात है. अब वो तो यहाँ पे जेल में थे. अब जेल से ही गांधी जी ने ये देखा कि भैया यहाँ पर ये कम्युनल अवार्ड ले आए हैं. और कम्युनल अवार्ड क्या कर रहा है, वो यहाँ पर अटैक कर रहा है. किसे अटैक कर रहा है, इंडियन यूनिटी को अटैक कर रहा है. और गांधी जी इसके सख्त खिलाफ थे क्योंकि गांधी जी क्या चाहते थे, ही ऑलवेज बिलीव इन यूनिटी, ही बिलीव्स इन मासेस. एंड सडनली यहाँ पर जो इंडियन यूनिटी को तोड़ने की बात करी जा रही है, ये तो गांधी जी को कुछ समझ में ही नहीं आया. अब यहाँ पर क्या है, गांधी जी ने बोला कि या तो आप इसको वापस लीजिए, ठीक है, या तो इसे वापस लीजिए, और अदरवाइज व्हाट एम आई डूइंग, मैं यहाँ पर इंडेफिनाइट फास्ट के लिए चला जाता हूँ, यानी कि मैं यहाँ पर जब तक यहाँ पर इस पर्टिकुलर चीज पर कुछ काम नहीं होगा, मैं तब तक यहाँ पर अन्न जल कुछ भी नहीं यहाँ पर लूंगा, ठीक है. फिर उसके बाद देखो यहाँ पर क्या होता है,
यहाँ पर फिर क्या होता है कि गांधी जी आपके चले गए फास्ट पे, फास्ट अनटू योर डेथ, ठीक है। तो यहाँ पर आमरण अनशन बोलते हैं जैसे, तो अनशन पे यहाँ पर गांधी जी चले गए थे आपके सितंबर 1932 में। अब इसकी वजह से यहाँ पर पूना पैक्ट के बारे में बात करी गई। पूना पैक्ट क्या था, ये यहाँ पर अबंडन कर रहा था जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स यहाँ पर डिप्रेस क्लासेस को दिए जा रहे थे। तो इसमें क्या था कि इसमें ये फेवर में थे आपके किस चीज के, कि इंक्रीज कर दे हम रिजर्व सीट्स, रिजर्व सीट्स के लिए। मतलब बेसिकली यहाँ पर जैसे मान लो इनको 71 सीट्स दे दी जाती थी, ठीक है, 71 सीट्स इनको दी जाती थी। अब यहाँ पर इसकी वजह से जो पूना पैक्ट है उसके हिसाब से क्या कर दिया गया कि जो सीट्स थी उनकी जो संख्या थी उसको बढ़ा के 147 कर दिया गया था। सीट्स की संख्या यहाँ पर बढ़ा दी गई, ओके। और इस पर्टिकुलर ये जो पैक्ट था आपका, इस पैक्ट को साइन किया गया था B.R. अंबेडकर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या था कि इनसे बात करी गई कि आप देखो आप यहाँ पर इसको साइन कर दो। मदन मोहन मालवीय जी ने भी इसको साइन किया था, मदन मोहन मालवीय जी थे, उन्होंने भी यहाँ पर इसको साइन किया, क्योंकि यहाँ पर देखो बापू जो थे ना वो चले गए थे आमरण अनशन पे, और ये चीज यहाँ पर लानी काफी हद तक जरूरी थी। यहाँ पे बोला गया कि अबंडन कर दो सेपरेट इलेक्टोरेट्स को डिप्रेस क्लास के लिए, ठीक है, और उनके फेवर में यहाँ पर इंक्रीज कर दिए जाए रिजर्व सीट, ठीक है, ताकि रिजर्व सीट जो है वो यहाँ पर इंक्रीज कर दी जाए। ऑलराइट, चलिए अब यहाँ पर क्या था, अब यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजिक डिबेट चल रही थी कि किस हिसाब से यहाँ पर कैसा यहाँ पर आंदोलन की दिशा कौन सी होनी चाहिए। अब ये जो परेशानी थी, ये जो सोच थी, वो यहाँ पर किसके बीच में उत्पन्न हो रही थी, ये जो आपके कांग्रेस थे, ठीक है, जो आपके नया वर्ग यहाँ पर उतर रहा था। देखो बेसिकली क्या था कि कोई ना कोई आपका आंदोलन हुआ है, उसके बाद यहाँ पर यही सोचा जाता था कि किस तरीके से हम यहाँ पे वर्क करें, क्योंकि अभी यहाँ पर जो आपकी सरकार थी, सरकार यहाँ पर अपने हिसाब से एक्ट कर रही थी, क्योंकि गांधी जी जेल में थे, गांधी जी थे आपके जेल में, पुणे की जेल में थे गांधी जी। अब यहाँ फिर बचे आपके जवाहरलाल नेहरू, बोस वगैरह। तो यहाँ पर क्या था कि टू स्टेज डिबेट चल रही थी कि आगे की फ्यूचर स्ट्रेटेजी यहाँ पर क्या होनी चाहिए। तो देखो ये जो आपकी स्ट्रेटेजिक डिबेट थी, ये इससे एक ही क्वेश्चन बन रहा था कि व्हाट शुड बी द कोर्स ऑफ मूवमेंट, आपके जो मूवमेंट है, व्हाट शुड बी द कोर्स ऑफ मूवमेंट, कि मूवमेंट का जो कोर्स है वो किस तरीके से होना चाहिए। मतलब कि जो आपके आंदोलन है, अभी अगर हम आंदोलन करें तो आंदोलन की दिशा कौन सी होनी चाहिए, किस प्रकार से यहाँ पे आंदोलन हो सकता है, हम क्या ऐसा दिमाग लगाएं उसके हिसाब से यहाँ पे आंदोलन करें। तो यहाँ पर क्या था कि टू स्टेज डिबेट स्टार्ट हो गई थी। अब ये जो डिबेट थी आपकी, ये दो भागों में बट गई थी, टू स्टेज डिबेट हो गई थी ये। अब देखो इसमें जो पहली थी, जो फर्स्ट स्टेज थी आपकी, अगर इसकी बात करें तो ये यहाँ पर बेसिकली बोलते थे कि व्हाट कोर्स द नेशनल मूवमेंट शुड टेक। तो बेसिकली इन्होंने सोचा कि हम पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्शन में, क्योंकि अभी यहाँ पर क्या आपके 1934 में होने वाले थे इलेक्शन, 1934 में इलेक्शन होने वाले थे। तो यहाँ पर इन लोगों ने सोचा कि हम करेंगे इलेक्शन में पार्टिसिपेट, एंड वंस वी गेट इन टू द इलेक्शन, ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेचर को हम लोग यहाँ पर बेसिकली क्या करेंगे, बॉयकॉट करेंगे। जो नियम कायदे ये लोग यहाँ पर बनाते हैं उनको हम यहाँ पे पूर्ण तरीके से बॉयकॉट करेंगे, सारी चीजों को यहाँ पे बॉयकॉट करेंगे, इलेक्शन यहाँ पर जीतेंगे और यहाँ पर इनको उसके बाद यहाँ पे एंटर करने के बाद इनको दिखाएंगे, इनको अंदर से तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर एक जो वर्ग था आपका, वो ये बात कर रहा था कि भैया यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इलेक्शंस में भाग लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फिर जो जिन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेशन करने का सोचा था, वो आपके इनको बोला गया था न्यू स्वराजिस्ट, जो आपके यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे थे इनको सबको बोला गया था न्यू स्वराजिस्ट। अब कौन कौन थे आपके न्यू स्वराजिस्ट, तो देखो सबसे पहले आ जाते हैं आपके एम ए अंसारी, ठीक है, एम ए अंसारी। इन लोगों ने सोचा था कि हम इलेक्शंस में भाग ले लेते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से फिर हम आगे ये चीजें करेंगे, क्योंकि कोई ना कोई यहाँ पर जो एक मोड़ था अपने मूवमेंट को वो देना बहुत ज्यादा जरूरी था। फिर आपके आसफ अली थे, आसफ अली के बाद थे आपके भोला भाई देसाई, ठीक है जी। फिर आपके थे एस सत्यमूर्ति थे,
तो ये आपके जो थे ये न्यू स्वराजिस्ट जिनको बोला जा रहा था, फिर आखिरी थे आपके बीसी रॉय। तो ये लोग यहाँ पर सोच रहे थे कि अब हमें क्या करना चाहिए, हम इलेक्शंस में भाग लेके अब हमें अंदर से इनको तोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। चलो अब यहाँ पर ये लोग ये सोच रहे थे कि हम इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करें या ये सब कुछ भी। अब इसी के बीच में मतलब ऑन द बैक हैंड यहाँ पर जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारी सरकार है, वो लेकर आ गई एक नया काम। क्या? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यहाँ पे गवर्नमेंट द्वारा इंट्रोड्यूस कर दिया गया। अब आपकी जो सेकंड, जो आपकी बेसिकली एक तो पहला फेज ये रहा था कि लोग बोल रहे थे हम पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्शन में, दूसरी चीज ये थी कि यहाँ पर क्या है कि सोचा जाए कि अब यहाँ पर आपका ये एक्ट ला दिया गया है, अब एक्ट के बाद यहाँ पर क्या क्या चीजें होंगी वो यहाँ पर सोच विचार उस पर किया जा रहा था, और यहाँ पे जो कंफ्यूजन थी वो यहाँ पे बुरी तरीके से क्रिएट हो गई थी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर बात करी जाए तो बेसिकली 1937 की बात है, जो क्वेश्चंस थे आपके ऑफिस पे, ठीक है, क्वेश्चंस ऑफ योर ऑफिस एक्सेप्टेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर प्रोविंशियल इलेक्शंस, तो यहाँ पर इस चीज पे बात चल रही थी। ऑलराइट, अब यहाँ पे देखो जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया यहाँ पे 1935 का, इसके तहत यहाँ पर क्या क्या चीजों के बारे में बात हुई। देखो यहाँ पे ना एस्टेब्लिशमेंट करा जा रहा था किसका, ऑल इंडिया फेडरेशन प्रोविंस का, ठीक है, एंड योर प्रिंसली स्टेट्स। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बात करी गई कि भैया इंडिया के अंदर फेडरेशन बनेगा, और ये जो फेडरेशन के अंदर क्या होगा, बहुत सारे प्रोविंसेस होंगे। अब ये प्रोविंसेस जो होंगे इनको ऑटोनॉमी दी जाएगी, और ऑटोनॉमी दी जाएगी तो यानी कि यहाँ पर एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी होनी चाहिए। ठीक है, अब रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगी तभी यहाँ पर सारी चीजें सॉर्ट आउट हो पाएंगी, सारी चीजें मैनेज हो पाएंगी। तो ये पर्टिकुलर चीज इनके द्वारा यहाँ पे बोली गई कि देखो एस्टेब्लिशमेंट करेंगे हम ऑल इंडिया फेडरेशन का, जो कि कंसिस्ट करेगी यहाँ पे प्रोविंसेस को और आपके जो प्रिंसली स्टेट है, ठीक है, उनको एज यूनिट्स। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया था पावर को बिटवीन योर सेंटर एंड योर यूनिट्स इन द टर्म ऑफ थ्री लिस्ट। ठीक है, तो डिविजन कर दिया था पावर का तीन लिस्ट के अंतर्गत, फेडरल, प्रोविंशियल और कॉन्क्यूरेंट। तो यहाँ पे अगर बात करी जाए जो आपकी फेडरल लिस्ट थी, फेडरल लिस्ट में जहाँ पे आपकी जो फेडरल गवर्नमेंट है वो सरकार बना पाएगी। ठीक है, जो फेडरल गवर्नमेंट होगी आपकी वो यहाँ पर सरकार बना पाएगी। रही बात प्रोविंशियल लिस्ट की, तो यहाँ पे जितनी भी स्टेट्स हैं वो यहाँ पर लॉ बना सकती हैं। ठीक है, और कॉन्करेंट लिस्ट में आ जाता है आपका राज्य और केंद्र। कॉन्करेंट में कौन कौन आ गया, आपका राज्य भी आ जाएगा, ठीक है, और आपका केंद्र भी आ जाएगा यानी कि सेंटर भी आ जाएगा, और ये यहाँ पर दोनों ही रूल बना सकती हैं, दोनों ही मिलके यहाँ पर जो रूल है आपका वो बना सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर जो रेसिड्यूरी थी टू बी इन द रेस्ट हैंड्स ऑफ योर गवर्नर जनरल, तो गवर्नर जनरल के हिसाब मतलब बाकी सारी जो भी चीजें थी वो किसके हाथ में थी, गवर्नर जनरल के हिसाब से। अब यहाँ पे देखो ये जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी थी इसको इंट्रोड्यूस किया गया, अबॉलिश किया गया डायरकी को। डायरकी मतलब यो डुअल गवर्नमेंट, ये जो डुअल गवर्नमेंट थी ये आई थी आपकी कब आई थी, जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1919 का, तब आपकी डुअल गवर्नमेंट आई थी यानी कि डायरकी आई थी। अब इस डायरकी को यहाँ पर खत्म कर दिया जा रहा था, अबॉलिशमेंट कर दिया जा रहा था इसका। ठीक है, और यहाँ पर दो लिस्ट भी बनाई जा रही थी, ट्रांसफर और योर रिजर्व लिस्ट। ऑलराइट, तो ये जो प्रोविंसेस थे दे वर अलाउड टू एक्ट एज एन ऑटोनॉमस यूनिट्स। अब गवर्नर जो थे, गवर्नर वॉज टू एक्ट विद द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स, जो कि रिस्पॉन्सिबल थे यहाँ पे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया बाइकैमरलिज्म को, ठीक है, इन 6 out of 11 प्रोविंसेस। तो यहाँ पर आपके 6 में जो बाइकैमरलिज्म था उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, और यहाँ पे देखो जो लेजिस्लेचर थी वो आपकी बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और बाकी आपकी जो यूनाइटेड प्रोविंसेस होती हैं, जैसे इनमें यहाँ पर बाइकैमरल जो कि आपके कंसिस्ट करते हैं। अब बाइकैमरलिज्म क्या होता है, अपर हाउस लोअर हाउस। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी यूनाइटेड प्रोविंसेस थी दे वर बेसिकली आपका जो बंगाल था, बॉम्बे था, मद्रास था, बिहार था, असम था और यूपी था, यूनाइटेड प्रोविंस बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी बाइकैमरल बनाई गई। ठीक है, जहाँ पे कंसिस्ट कर रहे थे आपके अपर हाउस भी होगा और आपका लोअर हाउस भी होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो
प्रोवाइड किया था इन लोगों ने सेपरेट इलेक्टोरेट, ना ही सिर्फ डिप्रेस क्लास के लिए, सिर्फ डिप्रेस क्लास के लिए नहीं, जो आपके शेड्यूल कास्ट होते हैं उनके लिए, वुमेन्स के लिए और लेबर्स के लिए भी। तो ये पर्टिकुलर चीज इस पर्टिकुलर एक्ट में आ गई थी। यहीं पर आपका एस्टेब्लिशमेंट हो गया था रिजर्व बैंक का। रिजर्व बैंक जो है, आज आप लोग देखते होंगे, रिजर्व बैंक जो है उसका भी यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट हो गया था। और उसके बाद यहाँ पर आपके जो फेडरल कोर्ट है, जो आपके फेडरल कोर्ट है भाई, इनको भी यहाँ पर सेटअप कर दिया था। कब सेटअप किया था? 1937 में फेडरल कोर्ट भी यहाँ पर आपके स्थापित हो गए थे। अब यहाँ पर अगर आप इवेल्युएट करोगे, देखो तो ये एक्ट लिया है, और ये हमेशा ऐसे ही करते थे, कोई भी मूवमेंट चलता था, अब इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया था, ठीक है। और गांधी जी ने साफ साफ कह दिया गया था, आइदर यू एक्सेप्ट व्हाट आई डिमांड और व्हाट विल आई डू, मैं यहाँ पर अपना आंदोलन शुरू कर दूंगा। तो यहाँ पर उन्होंने आंदोलन शुरू किया। बस यही चीज आपके अंग्रेजों को नागवारा थी कि भाई ऐसे कैसे इन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया, ठीक है। इसी बेसिस पे फिर इन्होंने क्या करा कि ये नया एक्ट लिया। अगर आप देखोगे, ये हमेशा ही ऐसे करते थे, हमेशा ही कोई ना कोई मूवमेंट स्टार्ट होता था, उसके बाद ही एक्ट ले आते थे, ठीक है। जैसे आपका 1857 वाला रिवॉल्ट हुआ था 1867 में, 1858 में आपका एक्ट आ गया, फिर आपका काउंसिल वाला आ गया 1861 में। तो ये इसी तरीके की चीजें यहाँ पे करते थे कि यहाँ पर जो मूवमेंट है उसको कर सके वीकेंड, ठीक है। इवेल्युएट करते हैं इसको एक अच्छी तरीके से कि यहाँ पर अगर हम इवेल्युएशन करें, क्वेश्चन अगर देखो आपका बन जाए के इवैल्यूएशन ऑफ एक्ट, ठीक है। अगर आप इवैल्यूएट करोगे, किस तरीके से इवैल्यूएट करोगे, देखो बहुत साफ सी बात है, अगर अंग्रेजों के हिसाब से एक चीज ही बोलना साफ रहता है, लॉन्ग टर्म ब्रिटेन स्ट्रैटेजी, लॉन्ग टर्म ब्रिटेन स्ट्रैटेजी। क्योंकि देखो क्या है इनका, इनको रहना था सत्ता में, और इनके हिसाब से इंडियंस तो रूल नहीं कर सकते हैं, और बस एक ही दिमाग में इनके वो होता था कि भाई हम लेके आ जाएंगे यहाँ पे एक्ट, ठीक है, यहाँ पे एक्ट लेके आएंगे। वो एक कैरेक्टरिस्टिक वाली एक जो इनकी कह सकते थे एक स्ट्रैटेजी रहती थी कि हम स्टिक भी मारेंगे और गाजर भी खिलाएंगे, है ना। आपके पहले स्टिक भी मारेंगे, डंडे भी मारेंगे और गाजर भी खिलाएंगे, सारी चीजें इनके दिमाग में इतनी क्लियर रहती थी कि अब हमें क्या करना है जिससे हम इन लोगों को नीचे दबा सके। तो बस एक तो ये दूसरों को डोमिनेट करने के लिए हर तरीके की चीजें कर सकते थे, वो इनके अंदर एक कैपेबिलिटी थी, ठीक है, कैपेबिलिटी इनके पास हर चीज को सोचने की थी, हर बद से बदतर चीज ये यहाँ पर कर सकते थे। तो देखो ये मूवमेंट को बिल्कुल खत्म करने के लिए, वीकेंड करने के लिए यहाँ पर इन्होंने क्या करा, इस पर्टिकुलर एक्ट को यहाँ पर लेकर आए, और एक लॉन्ग टर्म इनकी हमेशा स्ट्रैटेजी रही है। बहुत पहले से अगर आप एक तरीके से सोचोगे, इन पर सोच विचार करोगे, तो आपको ये यहाँ पर पता चलेगा। अब देखो यहाँ पर ये तो ले आए यहाँ पे एक्ट, अब अगला क्वेश्चन ये बनता है, व्हाट वाज कांग्रेस रिएक्शन टू द एक्ट। अब यहां पर कांग्रेस का क्या रिएक्शन रहा था, ये तो एक्ट ले आए थे यहां पे, अब कांग्रेस क्या करेगी। अब देखो यहां पर कांग्रेस ने इसको साफ साफ रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है, ये जो आपका एक्ट था, it was rejected by your Congress, और यहाँ पर जो Constituent Assembly है उसको बनाने की बात करी गई। उन्होंने साफ साफ बोला कि भाई देखो ये जो एक्ट वैक्ट है ना, इसे मत लेके आओ, इसे लेके आने की कोई भी जरूरत है ही नहीं, Constituent Assembly बनाइए यहाँ पर, ठीक है, इन सारी चीजों को हमें कोई जरूरत नहीं है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, आप यहाँ पर ये एक्ट वैक्ट लाने का जो काम है ना, इसे बंद करिए, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाइए। तो यहाँ पर जो आपके कांग्रेस थी, कांग्रेस इनके काफी अगेंस्ट में थी इस चीज के, ठीक है। और यहाँ पर फिर क्या था कि कांग्रेस ने डिमांड किया टू कन्वेन अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज। तो यहाँ पे जो बाकी ये ग्रुप्स थे, अदर ग्रुप्स जो कि यहाँ पर आपके काउंटर काउंसिल क्रिएट करने की बात कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आपकी कांग्रेस इससे ना खुश थी, कांग्रेस ना खुश थी। अब यहीं पे बात करी जाए, अगर हम गांधी जी की बात करें, देखो गांधी जी थे आपके जेल में, और गांधी जी के बारे में, सॉरी गांधी जी तो अब आ गए थे, तो गांधी जी के बारे में अगर बात करी जाए, तो देखो गांधी जी की इस टाइम पे जो पोजिशन थी वो इनिशियली अपोज कर रहे थे,
ठीक है, इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, और उसके बाद ये यहाँ पर बेसिकली लेटर ऑन विलिंग टू गिव अ ट्राई, ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अब ये आ गया है तो आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे कांग्रेस के सेशन हुए, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज आती थी फिर कांग्रेस यहाँ पे बातचीत करती थी कि देखो आगे अब यहाँ पर क्या करना है। तो कांग्रेस के सेशन हुए आपके कहाँ पर, लखनऊ में हुआ था आपका 1936 में, ठीक है, 1936 में हुआ। उसके बाद फैजपुर में हुआ इनका कांग्रेस सेशन 1937 में, यहाँ पे बातचीत वगैरह हुई। उसके बाद यहाँ पे देखो आ जाता है आपके 28 मंथ का रूल, जो कि यहाँ पर कांग्रेस ने रूल किया था। देखो यहाँ पे इलेक्शन हुए थे, अब यहाँ पे जब इलेक्शन हुए, क्योंकि देखो यहाँ पे कांग्रेस बात कर रही थी कि भैया हम यहाँ पर क्या करेंगे, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे, और इलेक्शंस में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो फरवरी 1937 में क्या हुआ कि इलेक्शंस में जो आपके इलेक्शंस हुए थे प्रोविंशियल असेंबलीज में, वो यहाँ पर हुए, जिसमें आपकी कांग्रेस ने भाग लिया, और कांग्रेस यहाँ पे 1161 सीट में से कितनी सीट जीती आपको पता है, 716, भारी मात्रा से यहाँ पर आपकी कांग्रेस जीती, ठीक है, 716 सीट यहाँ पे कांग्रेस को मिली, और यहाँ पर एक मेजोरिटी हो गई, मेजोरिटी इन ऑल प्रोविंसेस एक्सेप्ट बंगाल, असम, पंजाब, सिंध एंड योर नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। तो यहाँ पर क्या था कि आपकी बेसिकली मेजोरिटी इनको उन प्रोविंसेस में नहीं मिल पाई थी, जैसे कि बाकी में तो मिल गई थी, जैसे आपकी मद्रास में थी, सेंट्रल प्रोविंस में थी, उड़ीसा में थी, यूपी में थी, बिहार में थी। उसके बाद में जाके इनको नॉर्थ वेस्टर्न, जो आपका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था, वहां पे भी मिल गई थी, असम में मिल गई थी, ठीक है, बट उस टाइम पे यहाँ पर इनको इन जगह पे नहीं मिल पाई थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या थी कि कांग्रेस की जो मिनिस्ट्रीज थी वो यहाँ पर फॉर्म हुई, कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज यहाँ पर फॉर्म हुई, और फॉर्म हुई ये कहाँ पर, बॉम्बे में, ठीक है, मद्रास में फॉर्म हुई आपका सेंट्रल प्रोविंस, उसके बाद आपका उड़ीसा के बाद आपका यूपी, ठीक है, बिहार, और बाद में लेटर ऑन इनको यहाँ पे आपका जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है यहाँ पर भी इनको मिल गई थी, और आपके असम में भी, इन दो जगह आगे जाके इनको फिर मिनिस्ट्री मिल गई थी। अब देखो इनके द्वारा क्या क्या वर्क किया गया, अब देखो यहाँ पर क्या है, कांग्रेस सत्ता में आ गई तो इनके हमारे खुद के लोग ही इनको यहाँ पर क्रिटिसाइज करने लगे, ठीक है, यहाँ पर इनको खुद ही क्रिटिसाइज करने लगे, पर यहाँ पर ये नहीं सोच रहे थे कि इनकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, किस तरीके से ये आगे बढ़ने की यहाँ पे सोच रहे हैं। तो देखो जो काम इनके द्वारा किया गया था उसके बारे में बात कर लेते हैं। वर्क अंडर कांग्रेस मिनिस्ट्री, क्योंकि देखो यहाँ पर ना आपके एक तो अंग्रेजों का एक जो भ्रम था उनके दिमाग में कि इंडियंस कभी रूल नहीं कर सकते, वो भ्रम भी तोड़ना बहुत जरूरी था, इसीलिए कांग्रेस का यहाँ पर सत्ता में आना बहुत ही ज्यादा जरूरी था, उससे क्या होगा कि बहुत सारी चीजें चेंज भी होंगी। तो देखो यहाँ पर जब आपका जो वर्क देखा जाता है कि कांग्रेस मिनिस्ट्री ने क्या क्या वर्क किया था, तो देखो यहाँ पर जो आपके लॉ एंड ऑर्डर रिफॉर्म्स, ठीक है, तो इनको यहाँ पर देखो बेसिकली आपके इन्होंने जो सिविल लिबर्टीज थी उनको इजीली कर्व करवाया, ठीक है, एक ईज कर्व दी आपके जो आपकी सिविल लिबर्टीज थी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग थे उनको काफी हद तक जो छूट और आजादी नहीं मिलती थी, उनको काफी हद तक परेशान किया जाता था, तो उसमें एक ईज दी इन्होंने। उसके बाद यहाँ पर जो प्रेस पे रिस्ट्रिक्शन लग रही थी, प्रेस पर जो रिस्ट्रिक्शन थी, उस रिस्ट्रिक्शन को यहाँ पर इन्होंने हटाया था, उस रिस्ट्रिक्शन को यहाँ पर इन्होंने लिफ्ट कर दिया था, हटा दिया था। उसके बाद यहाँ पे देखो जो पुलिस की पावर थी ना उसको यहाँ पर कर्व किया था, जो पुलिस की पावर थी, जो सीआईडी वीआईडी था आपका, ठीक है, पुलिस की पावर, क्योंकि यहाँ पे क्या थे कि पुलिस वाले जो पावर में थे ना वो अपने ही लोगों को मारने की पूरी तैयारी करते थे, ठीक है, और तो यहाँ पर आप सोच सकते हो जब आपकी कांग्रेस आएगी तो कांग्रेस यहाँ पे काफी हद तक चीजें करेगी, ठीक है, और वो किसके बेनिफिट के लिए करेगी कि वहां पे लोगों का बेनिफिट हो। उसके बाद यहाँ पर जो आपका एग्रीगेरियन है, यानी कि एग्रीकल्चर एंड लेबर रिफॉर्म्स के बारे में यहाँ पे बात हुई,
काफी हद तक यहाँ पे इन्होंने चीजें करी यहाँ पे, ठीक है। 28 महीने का इनका कांग्रेस का रूल रहा था, 28 मंथ्स का, ठीक है, 28 मंथ रूल बोलते हैं इनके उसको। तो यहाँ पर जो आपके कह सकते हैं जो आपके लैंड थे, लैंड रिफॉर्म्स थे, डेप्थ रिफॉर्म्स थे यहाँ पे, जो आपके डेप्थ थे, ठीक है, और जो आपके बेसिकली यहाँ पर बहुत तेजी से लोगों को परेशान किया जाता था, उनसे कर्ज वगैरह बहुत सारी, मतलब कर्जे बहुत ज्यादा थे लोगों पे, तो उस चीज को यहाँ पे खत्म करने की इन्होंने कोशिश करी, ठीक है। उसके बाद जो लेबर थी, लेबर की यहाँ पर जो स्ट्राइक वगैरह थी उसको यहाँ पे कम कराने की कोशिश करी, लेबर की जो स्ट्राइक थी उसको यहाँ पे कम कराने की कोशिश करी। तो ये सारी चीजें इनके द्वारा यहाँ पे करी गई, ये तो कुछ भी नहीं था। अब यहाँ पे देखो कांग्रेस आई है, यानी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी आएंगे, तो ये यहाँ पर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी लेकर आए, ठीक है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए ये यहाँ पर, जिससे इन्होंने डेवलप किया, प्लानिंग करी कि हम यहाँ पर एक नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर आपकी नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई, और इसके अंतर्गत इन्होंने यहाँ पे भी वर्क किया कि किस तरीके से यहाँ पे इकोनॉमी को सुधार कर दिया जाएगा। और बेसिकली क्या था इनका, इन्होंने बहुत कम रिसोर्सेज में बहुत अच्छा काम किया था, क्योंकि देखो फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो थी बहुत कम दी गई थी, उसी के अंदर इन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया था, ठीक है। जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव असेसमेंट देखेंगे तो उसमें हम ये भी सारी चीजें देखेंगे। सोशल रिफॉर्म लाए गए इनके द्वारा। सोशल रिफॉर्म में क्या था, देखो कांग्रेस ने क्या करा, कांग्रेस की जो मिनिस्ट्री थी उन्होंने यहाँ पे बहुत सारे सोशल रिफॉर्म, जैसे आपकी जो डिप्रेस क्लासेस थी, ठीक है, जो आपके हरिजन वगैरह थे, उनको यहाँ पर जो एक तरीके से कह सकते हैं हम उन्हें जो परेशानियां, जो प्रताड़नाएं देखने को मिल रही थी, उनको यहाँ पर कम किया, ठीक है। और जो आपकी ये जो वेस्टर्न लोग थे, ठीक है, वेस्टर्न आपका कह सकते हैं सोशलिज्म, जो वेस्टर्न सेक्युलरिज्म था, वो यहाँ पे लोगों को अपना, मतलब एक वेस्टर्न कल्चर को थोपने की कोशिश करते थे जो अंग्रेज, उस चीज को यहाँ पे खत्म किया। उनको साफ साफ बोला कि भैया देखो, जो हमारे देश में जो रिलीजन है वो आपके रिलीजन से काफी हद तक डिफरेंट है, तो इसीलिए जो हमारा धर्म है हमें उस हिसाब से यहाँ पर चलने दो। उसके बाद आपकी देखो, तो इनका 28 महीने तक यहाँ पर रहा था रूल, 28 मंथ का रूल रहा था आपके कांग्रेस का, और यहाँ पर फिर कांग्रेस ने रिजाइन कर दिया था। अब इन्होंने रिजाइन किया था इन्होंने 1939 में, क्यों, क्योंकि उस टाइम पे आपका आउटब्रेक आ गया था। किसका आउटब्रेक, बेसिकली आपका वर्ल्ड वॉर टू। इसके वजह से यहाँ पर क्या है कि आपकी जो कांग्रेस थी इसने यहाँ पर रिजाइन कर दिया गया। अब यहाँ पे देखो, अगर असेसमेंट करें, ठीक है, अगर असेसमेंट की बात करें कि यहाँ पर 28 महीनों के लिए कांग्रेस ने यहाँ पर रूल किया, तो इस रूल से क्या पॉजिटिव चीजें हमें मिलती हैं, क्या नेगेटिव चीजें जो हैं वो हमें यहाँ पर मिलती हैं, उस चीज को हम यहाँ पर समझेंगे। देखो पॉजिटिविटी की बात करें तो मैंने आपको सबसे पहले बताया इंडियन गवर्नमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि जो आपके रेडिकल सोशल ट्रांसफॉर्मेशन थे ना, उनकी बहुत ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी गवर्नमेंट थी, जो सरकार थी, सरकार यहाँ पे बहुत ज्यादा लोगों को परेशान करती थी, तो उस हिसाब से यहाँ पे रेडिकल सोशल ट्रांसफॉर्मेशन आना जरूरी था। उसके बाद यहाँ पर एक मिथ थी जिसको वीकन करना था एक मिथ को। जो मिथ ये थी कि भाई इंडियंस आर नॉट फिट टू रूल, इसको यहाँ पे खत्म करना था, इसको यहाँ पे खत्म करना था, और वो यहाँ पर इन्होंने करके दिखा दिया था। 28 महीने में यहाँ पर इन्होंने रूल किया, और बहुत बेहतरीन रूल किया था यहाँ पे, बहुत बेहतरीन रूल किया था, ऑलराइट। और यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया बहुत अच्छा वर्क था इनका, दे डिड अ गुड वर्क, बहुत मिनिमम फाइनेंशियल रिसोर्सेज में इन्होंने सारी चीजों को मैनेज किया, और ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज रही थी यहाँ पे। नेगेटिव की बात करें तो देखो नेगेटिव यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट आएगा। देखो क्या होता है, जब आप सत्ता में जाते हो तो आपके साथ और भी सारे लोग हैं। कांग्रेस में देयर वर लॉट ऑफ पीपल, एंड यहाँ पर एक ही चीज आ जाती है, वो जो हंगर होती है ना पावर के लिए, आपस में ही हंगर ऑफ पावर जो थी ना वो यहाँ पर आ गई थी। आपस में ही ये लोग
पावर के लिए लड़ने की वो कर रहे थे, पर देखो वो चीज यहाँ पे मैनेज हो गई थी तो उसका इतना नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ा था, क्योंकि पॉजिटिव जो पॉइंट्स हैं आपके वो यहाँ पर कहीं ज्यादा थे। ठीक है जी, तो ये पर्टिकुलर थी आपकी आज की क्लास, जिसमें हम लोगों ने कम्युनल अवार्ड पूना पैक्ट एंड न्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को करा है कवर। आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो आप इसे क्या करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और करेंगे चैनल को सब्सक्राइब इफ यू आर अ न्यू कमर। ठीक है, तो आप यहाँ पर सब्सक्राइब करना ना भूलना, ठीक है, ओनली इफ यू लाइक द क्लास। ऑलराइट, चलो तो आई होप आप लोगों को ये क्लास क्लियर हो गई होगी। ठीक है, कल हम बाकी के जो चीजें हैं उनको कवर करेंगे, एंड आई होप कि मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को इसको कवर करा दूं, क्योंकि आगे आपका जो आउटब्रेक है वर्ल्ड वॉर टू का वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, वर्ल्ड वॉर टू आएगा आपका आगे, उसके बाद आएगा आपका अगस्त ऑफर, और आई थिंक बस आपकी 3-4 क्लासेस और होंगी और आपका जो मॉडर्न इंडिया है वो यहाँ पर हो जाएगी कंप्लीट। ऑलराइट, चलिए, सो वी विल गोना मीट टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए बाय बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, एंड क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।